लखनवी अंदाज इस पाठ के लेखक यशपाल हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि बिना पात्रों कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता है, इसलिए सेकंड क्लास के डब्बे में चला जाता है। उसका किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लेखक लेता है। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर डब्बे में चढ़ गया। जिस डब्बे को वह खाली समझ रहा था वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे। लेखक का उस डब्बे में आना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर दो खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है कि नवाब आम खाए जाने वाले खीरों का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाता है कि उसे उसका आना अच्छा क्यों नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा, लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछा और चाकू से दोनों सिरों को काटकर खीरे का छाग निकाला। वे खीरे को बड़े सलीके और नज़ाकत से संवार रहे थे। उन्होंने खीरों पर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे को की फांके देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरे खाने का बहुत मन हो रहा था, परंतु वह पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए नवाब के दोबारा पूछने पर आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई और फांक को होठों तक ले गए, उसे सूंघा। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर गया था, परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने फांकों को बारी बारी से सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हों, खानदानी रईसों का यह भी खाने का ढंग है। लेखक यह सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से डका लेते हैं। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी करता है। लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डका ले सकता है तो वह बिना घटना पात्रों और विचार के कहानी क्यों नहीं लिख सकता।